खबर कुशीनगर से है, जहां पर हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा अवरवा के बलवा टोले पर एक मकान में सेंध काटकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात के साथ नकदी चुराई। मकान के बगल में स्थित नल पर सुबह महिलाएं जब पानी भरने गई तो मकान में कटा सेंध देखकर शोर मचाया। पूरा मामला कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा अवरवा के बरवा टोले का है। बताया जा रहा है कि धनंजय पूरा मकान अपने माँ बाप के भरोसे छोड़कर 2 महीने पहले अपनी पत्नी को लेकर बाहर कमाने गया था। रात में माँ बाप मकान के बरामदे में सो रहे थे। रात में चोरों ने घर के दक्षिण की तरफ सेंध लगाकर धनंजय के कमरे में घुसे और कमरे में रखा सारा सामान समेत बक्सा तथा नकदी समेत लाखों रुपए का जेवर भी चोरी कर ले गए। सर, हम रात को सोए थे बरामदे में, उस आरे में चौकी बजाने डेली सोते हैं। अब मलिकाएँ अंदर सोई थी, रात में कब सेंध कट गई है, कब क्या हुआ है ये हमको पता नहीं। सुबह जब मलिकाएँ बाहर से आई हैं, खेत तो देखी हैं, तब हल्ला हुआ, तब जा कर के तब फाटक खोल करके देखे हैं लोग, तो उसमें फड़ा हुआ। रात को पिताजी और माताजी सोए थे घर में, और हम लोग तो पता नहीं कब सेंध कटा है। और जब सेंध कटा, सुबह लोग जगे हैं तो देखे हैं कि बाहर से सेंध कटी हुई है। और उसके बाद जब सभी लोग हम लोग छानबीन किए हैं तो पता चला बक्सा कम यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पैकौली सिवान में फेंका गया है, सब ले जा कर के सामान, वहाँ कपड़ा लत्ता बक्सा, और उसमें एक झुमका रहा है, एक मंगलसूत्र रहा है, और पौजेब वजेब रही है, यही सब। उसके बाद हम लोग 112 कॉल करके सर को बुलाए हैं। हाटा से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।